तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ आईएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी एमटेक का अपना एक्सपीरियंस। और ये इंटरव्यू मैंने लास्ट ईयर 2021 में दिया था, आफ्टर माय गेट एग्जाम वाज ओवर। और मेरा स्कोर जो था वो 730 था एंड इट वाज अ जनरल कैटेगरी स्कोर। सो जब तो इस पे मेरे को इसका जो है इंटरव्यू कॉल आ गया था। और मैं कहूँगा कि जिन लोग को भी मौका मिले वो इस क्वांटम टेक्नोलॉजी एमटेक के लिए ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज इट इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड विच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कितना आपका स्कोर होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और कैसा गया था मेरा लास्ट टाइम का इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चन थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप फ़ायदा उठा सकते हो अन अकेडमी पर आज चल रहे ऑफ़र का, जिसमें आप गेट और ईएससी में से अगर कोई सा भी कोर्स 24 मंथ्स के लिए लेते हो तो 4 मंथ आपको फ्री मिलेगा। और अन अकेडमी पर होने वाला है जिस दिन जो गेट का एग्ज़ाम होगा उसी दिन लाइव एनालिसिस ऑफ द फुल पेपर बाय द इंडिया टॉप एक्सपर्ट्स, जहां पे आप अपने पेपर को एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो है पेपर वो किस तरीके का गया है, एंड वो आपको कट ऑफ्स भी बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ऑल्सो जो लोग भी गेट 2023 और 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी पर नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द 9 फरवरी 2022 एंड यू कैन एनरोल इन इट बाई यूजिंग माई कोड US10 फॉर 10% ऑफ। ऑल्सो नेक्स्ट अन अकेडमिक कॉम्बैट जो है वो 13 फरवरी को है, जिसमें आप जीत सकते हो कई सारी स्कॉलरशिप फॉर द अपकमिंग कोर्सेज। ऑल्सो अन अकेडमी पे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी जो अवेलेबल है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अन अकेडमी की वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, उसके बाद 1-to-1 लाइव मेंटरशिप पे जाना होगा, जहाँ आपको अपना सेशन चुनना होगा, एक कन्वीनियंट टाइम चुनना होगा और फिर आपको अपनी बुकिंग जो है कंफर्म कर देनी होगी। एंड फॉर CSIT ब्रांच अन अकेडमी पर काफ़ी सारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग माई कोड US10, और बाकी बैचेस की जो डिटेल है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। सो सबसे पहले ये जो है डिसिप्लिन जो है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है, और ये जो भी डेटा है ये मैंने ISC की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, नीचे लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके भी चेक कर लेना, बाकी यहाँ तो मैंने लिंक दे ही रखा है, तो इस लिंक पे जाके भी आप और डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड इसका जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस और CSE जो डिपार्टमेंट है उसमें नहीं होता है ISC के, बल्कि ये होता है इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में। एंड इनटेक इज 20 स्टूडेंट्स, सो 20 स्टूडेंट्स जो है वो लेता है। एंड क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, BE, BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। सो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी भी ब्रांच का जो बच्चा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर MSc होना चाहिए या विद अ वैलिड गेट स्कोर, या फिर 4 years बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, जो कि ISC में जो BS जो प्रोग्राम है वो 4 year का ही होता है, तो 4 year वाला जो जिन लोगों ने BS कर रखा है उन लोग के लिए एलिजिबल है, और उनके पास भी गेट स्कोर जो होना ज़रूरी है। इन ऑल केसेस स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड, और तो मैं इसकी जो है जरूर बात करूँगा कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। और एक्चुअली में जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो मैं यही पॉइंट जो है वो मिस कर गया था, जिस वजह से शायद मेरा इंटरव्यू जो था उतना अच्छा नहीं गया था जितना जाना चाहिए था, और इसी वजह से मेरे को ऑफर नहीं मिला था। सो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 70% गेट पे ऊपर रहता है एंड 30% इज फॉर इंटरव्यू। सो 30% जो है काफ़ी बड़ा वेटेज है फॉर द इंटरव्यू। एंड एरिया ऑफ स्टडी इज क्वांटम कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। सो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं उन लोग को इसके लिए ज़रूर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसी फील्ड है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को जो है रिलेट करेंगी आपस में। सो नाउ लेट्स लुक एट द कट ऑफ्स। सो ये कट ऑफ भी मैंने ISC की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है। सो कट ऑफ क्या है, जनरल के लास्ट ईयर जो इंटरव्यू के लिए कॉल की कट ऑफ थी, एक्चुअल में ये कट ऑफ जो है ये फाइनल सिलेक्शन की नहीं है, बल्कि दीज आर द कट ऑफ फॉर इंटरव्यू कॉल। सो इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ थी जनरल के लिए वो थी 720 स्कोर, EWS के 660, OBC 660, SC 580, ST 500 एंड फॉर PW कैंडिडेट इट वॉज 580। सो जिनका भी स्कोर इसके आसपास है या फिर इनसे 10
10-20 पॉइंट नीचे भी है वो लोग जरूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो अगर जैसे जनरल के लिए 720 अगर कॉल हुआ है, तो अगर मैं कहूँगा जिनका 700 प्लस स्कोर है जनरल के लिए, वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें। मे बी देयर इज अ चांस कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे काफी है, तो आप उसमें आगे हो सकते हो। नाउ व्हाट वर द इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी, तो उनके बारे में बात करूंगा। एक साल हो चुका है इंटरव्यू दे हुए, तो मुझे सारे क्वेश्चन तो लगभग लगभग याद नहीं है, लेकिन मैं जरूर वो एरियाज बता सकता हूँ जहाँ से मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने एक जगह ये क्वेश्चंस का जो वो है वो मैंने किसी को फेसबुक पे भेज रखा था वो पोस्ट, कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने वहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने रेफर करे कि मैंने क्या लिखा था उस पोस्ट में, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्टली जो मेन मेन जो चीज़ है वो थी यहाँ पे फिजिक्स। तो फिजिक्स में मुझसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, और जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ था इंटरव्यू के लिए वो था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एंड दिस वाज द एरिया विच आई ऑलमोस्ट नेगलेक्टेड। मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझसे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, पर ऐसा नहीं था, मुझसे फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहाँ पे जो पैनल था उसमें टू प्रोफेसर थे, एंड फर्स्ट प्रोफेसर ने मुझसे पहले फिजिक्स पूछना चालू करा, और पहले जब उन्होंने फिजिक्स पूछा तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे इतना सब चीज़ें नहीं आती थी फिजिक्स में। थ्योरेटिकली मुझे चीज़ें आती थी, मैंने क्योंकि पढ़ लिया था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू दे रहा हूँ तो फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ूँ, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूछा था, मैंने थ्योरेटिकली बता दिया, इंटरफ्रेंस पूछा था, कोहेरेंस पूछा था, एंड देन वेव्स, और बाकी भी जो टॉपिक्स हैं आप लोग चेक कर सकते हो क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो आईएससी की वेबसाइट है, वहाँ बहुत सारे उन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स में से जनरली वो लोग पूछेंगे। बट थ्योरेटिकली उन लोगों को नहीं चाहिए थी सब चीज़ें, मुझे ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली पता थी, उन्हें चाहिए थे इनके मैथमेटिकल प्रूफ, और यहाँ मैं लैग कर गया, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं पढ़ के गया था कि मैथमेटिकली मुझे इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं क्या वो लोग। तो मैं अभी आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग आईएससी के क्वांटम टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे, जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, तो आपको मैथमेटिकल प्रूफ के साथ ही सब चीज़ें पढ़नी है। मैथमेटिकल प्रूफ वो लोग ज़रूर पूछेंगे। एंड नेक्स्ट उन्होंने जो मुझसे पूछा वो था लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। आई थिंक कि आईएससी में किसी भी अगर आप कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हो तो दीज आर द मेजर पोर्शंस, और ये आपको गेट एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद चालू कर देने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी आईएससी ले लो या फिर आईआईटीज ले लो, यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू होंगे एमएस के लिए होगा या फिर आईएससी में मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज होंगे वो बेस्ड होंगे ऑन दी लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। सो लीनियर अलजेब्रा आप लोग जो है यूट्यूब पे पढ़ सकते हो यूजिंग द लेक्चर्स ऑफ गिलबर्ट स्ट्रैंग, एंड प्रोबेबिलिटी आप पढ़ सकते हो प्रोफेसर टिस्टिक्लिस। सो ये मैं अभी अपनी तरफ से रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी आप लोग रेफरेंस सर्च कर सकते हैं खुद ही कि कहाँ से आपको पढ़ना है। सो एक चीज़ जो मुझे पोर्शन में याद थी वो थी लीनियर अलजेब्रा, उन्होंने मुझसे प्रूफ पूछा था कि आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट के कुल कैसे है, तो ये प्रूफ मुझसे पूछा गया था और ये मैंने सॉल्व कर दिया था। और प्रोबेबिलिटी मुझे सारे क्वेश्चन तो याद नहीं, बट उन्होंने रैंडम वेरिएबल से ही मुझसे चीज़ें पूछी थी, जैसे कि उन्होंने मुझसे गॉसियन रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को पूछा था, उनके फॉर्मूले पूछे थे मुझसे, ये सब पूछा था। और हाँ, मुझसे एक और चीज़ पूछी थी उन्होंने, कॉइन टॉस पूछा था कि कॉइन टॉस जो है वो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड लीनियर अलजेब्रा में उन्होंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहले पूछी थी, एंड देन मुझे इसको बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को मैं कैसे विजुलाइज कर सकता हूँ इन द एक्चुअल वर्ल्ड। सो मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे रिलेटेड जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, पर एक्चुअल में वो क्वेश्चन जब लोग पूछेंगे तो आपको वो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आपको उन कॉन्सेप्ट को कैसे सोचना है। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो रखनी होगी कि आप ये सब चीज़ें बता पाओ। तो मैं अगर कहूँ कि फिजिक्स का पोर्शन अगर मैं अपने आप को मार्क्स देना चाहूँ तो मेरे को 10 में से मैं कहूँगा फिजिक्स में 4 मार्क्स ही मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा खराब गया था, जबकि लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी में अपने आपको 10 में से 7 और 8 रेट कर दूंगा, क्योंकि ये पोर्शन सिग्निफिकेंटली मेरा थोड़ा अच्छा गया था। एंड देन कमिंग टू कंप्यूटर साइंस, ये दोनों जो फिजिक्स और लीनियर अलजेब्रा का जो पोर्शन था वो एक प्रोफेसर के द्वारा पूछा गया था, एंड दिस वॉज आस्क्ड बाय माई टू मी बाय सेकेंड प्रोफेसर। एंड उन्होंने क्या था, यहाँ पे भी मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी गई थी। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने चालू करा एनपी और पी प्रॉब्लम से,
एनपी और पी प्रॉब्लम क्या होती है और एनपी कंप्लीटनेस क्या होता है, एनपी हार्ड क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने ये सब चीज़ें पूछी। और फिर मुझसे पूछा था टू सेट और थ्री सेट में एनपी कंप्लीट कौन है और दूसरा क्यों नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है मैथमेटिकल ढंग में जो है चीज़ों को ज़्यादातर पूछा गया, क्लिक पूछा, वर्टेक्स कवर पूछा था, इंडिपेंडेंसी एंड मैचिंग। एंड रिलेटिवली आप लोग देख सकते हो मैंने कंप्यूटर साइंस में चीज़ें ज़्यादा लिख रखी हैं क्योंकि जो पोर्शन मुझे समझ में ज़्यादा आया वो उसकी चीज़ें मेरे को ज़्यादा याद रही थी, जबकि फिजिक्स में मेरे को इतना क्वेश्चन याद नहीं है कि उन्होंने पूछा भी आखिर क्या था। एंड देन उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी मुझसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, एंड देन पूछा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कैसे मेजर होती है। और मुझसे एक और क्वेश्चन जो है मुझे याद आ रहा है वो पूछा था कि अगर मेरे को लूप्स दे रखे हैं, वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिखाया था उसमें कुछ लूप्स थे और मुझसे उससे मैं पूछा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो इसकी, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। एंड देन एट लास्ट उन्होंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पूछी थी मुझसे, मर्ज सॉर्ट पूछा गया था मुझसे, इंसर्शन सॉर्ट पूछा गया था, और स्पेसिफिकली उन्होंने क्विक सॉर्ट में पूछा था कि क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केसेस क्या होते हैं। सो वर्स्ट केसेस आपको पता है असेंडिंग में हूँ पूरा या फिर पूरा डिसेंडिंग में हूँ जो हमें दे रखा है, तो वो वर्स्ट केसेस होते हैं जहाँ पे एन स्क्वायर जो होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। सो मेरा जो ये जो इंटरव्यू था वो लीनियर अलजेब्रा और कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छा गया था, जबकि फिजिक्स में मैं इतना कवर नहीं कर पाया था। तो मैं अभी आपसे आप लोग को पहले ही बता दूँ कि आप लोग अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए आपका फॉर्म भरोगे तो आपको फिजिक्स ज़रूर पढ़ लेनी है, क्योंकि फिजिक्स के बेस पे ही मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ सिलेक्शन जो है वो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एट द आईएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी, और होप करता हूँ कि आपको इससे जानने को मिला होगा कि किस तरीके से आप जो आईएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी का अगर फॉर्म भरोगे तो किस तरीके से आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू जो है लास्ट ईयर दिए थे।